मदद करो। वफादार सेवक। एक बार एक राजा की एक बंदर के साथ दोस्ती हो गई। बंदर हर समय राजा के साथ रहता था। एक दोपहर राजा अपने कमरे में बैठा ऊंग रहा था, तभी खुली खिड़की से एक मक्खी उड़ती हुई कमरे में आई। पहले तो वो राजा के बिस्तर पर भिनभिनाती रही और अंत में राजा की नाक पर बैठ गई। वफादार बंदर राजा का अंगरक्षक बना बिस्तर के पास ही बैठा था। जब उसने मक्खी को देखा तो हाथ से उसे उड़ाना चाहा, पर वो मक्खी उड़कर वापस राजा की नाक पर बैठ गई। अब बंदर ने रुमाल से मक्खी को हटाना चाहा, तो तीसरी बार फिर वो मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। मक्खी थी कि मानने को तैयार ही नहीं। ये सब देखकर बंदर को गुस्सा आ गया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए अपनी तलवार निकाली और मक्खी पर वार किया। मक्खी तो उड़ गई, पर तलवार मक्खी को तो न काट सकी, पर उसने सोए हुए राजा की नाक काट दी। राजा दर्द से चीखता हुआ उठ गया और कराहने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को साजे, यानी जो काम जिसका हो उसे वही कर